सीमा पर तनाव के बीच चीन पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक जारी है। भारत ने युवाओं में जबरदस्त लोकप्रियता वाले पबजी गेमिंग ऐप सहित 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये तीसरी बार है जब भारत ने चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। बैन लगाने की कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए की गई है। आइए जानते हैं कि किन ऐप पर बैन लगा है और क्यों। लद्दाख में LAC पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत लगातार कार्रवाई में जुटा है। चीन पर चौतरफा वार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस रणनीति के तहत ऐप्स को बैन करने की ताज़ा कार्रवाई की गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने IT एक्ट के सेक्शन 59A के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इन ऐप्स को बैन किया है। सरकार के मुताबिक ये ऐप भारत की संप्रभुता रक्षा और राज्यों की सुरक्षा व पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इन ऐप्स के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कई ऐसी रिपोर्ट मिली जिनमें कहा गया कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप्स यूजर्स का डेटा चोरी कर रही हैं। इस डेटा को लगातार देश से बाहर स्थित अपने सर्वर तक अवैध तरीके से पहुंचाया जा रहा है। इस बार जो ऐप बैन किए गए हैं उनमें गेमिंग ऐप पबजी के अलावा लिविंग वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। इन 118 ऐप को मिलाकर भारत अब तक कुल 224 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुका है। इससे पहले भारत ने लोकप्रिय ऐप टिकटॉक समेत 59 ऐप बैन किए थे। इसके बाद जुलाई के आखिर में 47 ऐप और प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। भारत की इस डिजिटल स्ट्राइक से चीन एक बार फिर बौखला गया है।